नरेंद्र मोदी केला वही हाल होगा। फिर आप क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। ये भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को 100 नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। इतना ही बोलते हैं, मैं मेरे दोस्तों सलाम करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक व अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता शेख हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शेख हुसैन के खिलाफ भाजपा ने शिकायत दर्ज कराई थी, इसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। हुसैन के खिलाफ नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस थाने में बीती रात भारतीय दंड विधान की धारा 294 अश्लील कृत्य और गाने और धारा 504 IPC यानी शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेताओं ने हुसैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि हुसैन को 24 घंटे में गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे। शिकायत दर्ज कराने वाले भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस नेता हुसैन को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करके हुसैन निचले स्तर तक गिर गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस नेता हुसैन व पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने 13 जून को एक प्रदर्शन में भाग लिया था और प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया था। नागपुर में ईडी दफ्तर के बाहर यह प्रदर्शन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ के खिलाफ किया गया था। महाराष्ट्र के विदर्भ में कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी से पूछताछ के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ईडी की आलोचना की। नागपुर पुलिस ने आक्रामक विरोध के जवाब में राज्य के मंत्रियों नितिन राउत और विजय वेडेटीवार को अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ हिरासत में लिया था। ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना है, इस प्रकार के नेताओं को हिरासत में लेना चाहिए? अपना विचार इस पर जरूर बताइए। साथ ही ऐसे नेताओं पर कैसी कार्रवाई की जानी चाहिए, इस पर भी अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।